देख रहे हैं रिमीज गार्डन और मैं हूँ जेबनाज सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम पौधे के बारे में बताऊंगी जो आपने कई बार देखा और अपने हाथों से लगाया होगा, लेकिन मेरा सबसे अहम सवाल आप सबसे है कि क्या आपने एलोवेरा का प्लांट उसके लीफ से लगाया है, और लगाया है तो कितने लोग नाकाम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एलोवेरा का प्लांट लीफ से कैसे लगाते हैं, उसकी केयर टिप्स वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन अलर्ट्स के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबा लें। ये एलोवेरा का पौधा है, इसके एक पत्ते को हम कट करेंगे। ध्यान रहे प्लांट हेल्दी होना चाहिए। जैसे मैंने इस पौधे में ये मैंने लीव्स सेलेक्ट करी है क्योंकि ये बहुत हेल्दी है और इससे हमारी प्लांट अच्छे से रेडी हो सकते हैं, तो इसे मैं अब कट करूँगी। कट करने के लिए हमेशा एक शार्प नाइफ या शार्प कटर का इस्तेमाल करें। इसे हम नीचे की तरफ से कट करेंगे। कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसकी एजेस क्रश ना हो। ये देख सकते हैं कि इसकी कटिंग रेडी हो गई है और मिट्टी में लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये गमला हमने रेडी करके रखा है जिसमें आधा भाग मिट्टी और आधा भाग कंपोस्ट है, और अब हम इस कटिंग को इस मिट्टी में लगाएंगे। इस मिट्टी में लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें छोटा सा होल बनाएंगे। लगभग 1 इंच तक हम इस कटिंग को, इस लीफ को इस मिट्टी में डालेंगे। जब आप इसे मिट्टी में लगाएं तो इनकी जड़ों को अच्छे से दबा लें। ध्यान रहे अब जब भी कोई भी कटिंग मिट्टी में लगाते हैं तो उनकी जड़ें अच्छे से दबा लिया करें, जैसे कि मैं इस मिट्टी को अच्छे से दबा रही हूँ ताकि इनकी जड़ें सेटल हो जाए मिट्टी में। अब ये कटिंग मिट्टी में लग गई है तो वक्त है थोड़ा पानी इनमें देने का। इनमें ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन हम इन्हें पानी ज़रूर दें। अब कुछ दिन के लिए प्लांट को एक कॉर्नर में रख दें। 45 डेज गुजर चुके हैं और ये पत्ता ऊपर से सूख रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें छोटे छोटे पप्स आ गए हैं जो कि देखने में बेहद क्यूट लग रहे हैं। ये पप्स छोटे पौधे हैं। आइए देखते हैं कि इनमें जड़ें आई हैं या नहीं आई हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें जड़ें आ गई हैं, तो हम इसकी मिट्टी को रिमूव करके आपको भी इनकी जड़ें दिखा देते हैं। आप देख रहे हैं इनकी जड़ें कितनी अमेजिंग लग रही हैं। अभी तो ये पॉट का साइज़ इस प्लांट के लिए इनफ है, लेकिन जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा इन्हें बड़े पॉट की ज़रूरत होगी। तो जब ये पौधा बड़ा हो जाए इन्हें आप बड़े गमले में ट्रांसप्लांट ज़रूर करें। फ़िलहाल हम इस प्लांट को इसी गमले में वापस लगा लेते हैं। जब ये बड़े होंगे तब हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब वापस इस पौधे को हम इस मिट्टी में लगा लेंगे और जड़ों को अच्छे से दबा देंगे। और हाँ, जब आप एलोवेरा के लीव्स को यूं लगाएं तो उन्हें निकाल के ना देखें कि इनकी जड़ें आई हैं या नहीं आई है। हमने बस आपको यह दिखाने के लिए इन्हें निकाला था कि इनकी जड़ें आ जाती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये खास वीडियो और वीडियो में दी गई ये खास जानकारी? पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इसे अपनों अपनों के बीच, क्योंकि ये जानकारी हर किसी को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान अपने घर में एलोवेरा का एक प्लांट ज़रूर रखता है। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।